नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का यह वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि काफ़ी छात्रों के कमेंट भी आ रहे थे लास्ट लिस्ट को लेकर, जैसे कि आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी उसको लेकर, और जैसे कि कल नोटिस भी जारी हो चुका है जो कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छात्रों को नहीं पता है तो आपको टेलीग्राम पर मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, नहीं तो आप साइट के ऊपर आकर यहाँ पर लेटेस्ट जो एडवर्टाइजमेंट है इस ऑप्शन पर आपको अलॉटमेंट राउंड फर्स्ट डेट एक्सटेंड का ऑप्शन मिल जाएगा। यहां से जितनी भी आपकी डेट थी वो सब कुछ एक्सटेंड हो चुकी है। जैसा कि यहां पर फर्स्ट में जो डेट थी आपकी वो थी 22 तारीख, जिस तक आप अपने 13,555 रुपए सबमिट करवा सकते थे, उसकी डेट बढ़ाकर 27 तारीख कर दी गई है। साथ ही में जो 23 तारीख थी उसको 28 तारीख कर दिया गया है, जिसमें कि आप दस्तावेज अपलोड कर सकते थे। और अगर कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी थी उसकी डेट आपकी 24 तारीख थी, जिसको बढ़ाकर 28 तारीख कर दिया गया है। अब यहां पर सबसे बड़ी अपडेट आई है आपके अपवार्ड मूवमेंट को लेकर, 30 तारीख को आपका अपवार्ड मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां पर देखो एक चीज दे रखी है, यहां पर दे रखा 30/1/2023 तक, यानी कि आपका जो अपवार्ड मूवमेंट है आज जैसे 25 तारीख हो गई है, आज आपकी 25 तारीख हो गई है, और अब एक दो दिन में आपका जो अपवार्ड मूवमेंट का जो लिंक है वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिवेट कर दिया जाएगा। उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी रहेगी 30 तारीख, 30 जनवरी उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसी वेबसाइट के ऊपर आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, फॉर कैंडिडेट की जगह आपको अपवार्ड का जो लिंक है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ से आप अपवार्ड करवा सकोगे। जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट है आप सभी अपवार्ड करवा सकोगे। अपवार्ड किस प्रकार से आपको करवाना है, देखो अपवार्ड आपका तभी हो पाएगा जब आप पे अपनी फीस सबमिट करवा दोगे, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करवा दोगे, उसी के बाद में कॉलेज में जाकर रिपोर्टिंग आपकी हो जाती है, तो कंप्लीट आपका एडमिशन हो जाता है, तो वो ही स्टूडेंट यहां पर अपवार्ड करवा सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड लिस्ट को लेकर भी मैं आपको अपडेट कर देता हूं। सेकंड लिस्ट आपकी फरवरी में जारी होगी, लगातार मैं आपको अपडेट देते हुए आ रहा हूं। साथ ही में आप सभी छात्रों के, कुछ छात्रों के जैसे कमेंट है वो कमेंट भी यहां पर मैं देख लेता हूं, जैसे एक बार मैं उनका नाम भी बोल दूंगा, नाम भी देख लेना। तो यहाँ पर शीशपाल प्रजापत पूछ रहे हैं, सर जी बीएसटी से नॉन बीएससी फर्स्ट ईयर रेगुलर हो सकती है क्या? तो ये बीएसटीसी की बात की जा रही है, तो यहाँ पर नॉन ईयर रेगुलर हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, शायद इनका कमेंट थोड़ा अलग है, इसको छोड़िए। ये बोल रहे हैं एबीसी भाई मेरे 2420 है ओबीसी, मुझे फोर्थ कॉलेज मिली है, तो मुझे क्या चुनाव है क्या ऊपर के तीन में से एक मिलने का, रिप्लाई प्लीज। बिल्कुल, आपको अगर 420 आपके नंबर है ओबीसी और आपने चार कॉलेज मिली है, चार कॉलेज अगर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप अगर अपवार्ड करवाओगे तो आपको जैसे 30 नंबर की कॉलेज मिली है तो ऊपर की जो तीन कॉलेज है, यानी कि जैसे चौथे नंबर की कॉलेज मिली है तो अब ऊपर की तीन नंबर की कॉलेज आपको मिल जाएगी। बिल्कुल ठीक है, तो ये कमेंट था। इसी के बाद में नेक्स्ट कमेंट है, वो कमेंट भी यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे बाय द ऑर्डर वैसे कुछ अलग नेम है। ये पूछ रहे हैं कि सर जैसे मुझे 7th प्रिफरेंस की कॉलेज मिली है और मैं ऊपर अपवार्ड ऊपर मतलब कि ऊपर मतलब इनको लिखना नहीं आया, इन्होंने जैसे बोल रहे हैं कि मिली है और मैं अपवार्ड मूवमेंट कराना चाहता हूँ, तो क्या मुझे मेरी 1-6 प्रिफरेंस से में से ही कॉलेज मिलेगी या कहीं दूर भी मिल जाती है? जैसे 10th प्रिफरेंस एक यूट्यूब पर लेयर क्लासेस से है, वो कह रहा है कि कहीं भी मिल सकती है, सर प्लीज पता करके रिप्लाई कर दीजिए। अब देखो ये जैसे इसके रिप्लाई में मिला है नहीं तुम्हें 1-6 नंबर की कॉलेज मिलेगी। अब देखो एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं, देखो ये छात्र ये कमेंट पूछ रहा है, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपके जो डाउट रहते हैं ना वो क्लियर हो जाए, इसलिए मैं आपको जैसे इसको इसने 7 कॉलेज यहां पर प्रेफरेंस पे दी गई है। अब ये चाह रहा है कि मुझे 1-6 नंबर की जो कॉलेज है वो ही मुझे मिले, और जैसे काफी जैसे लहर क्लासेज वो भी सही बोल रहे हैं, उनका तरीका भी मैं बताऊंगा, उनका बोलने का तरीका क्या है। देखो ज्यादातर 90% मैं हर वीडियो में आपको लास्ट में क्लियर करके जाता हूं कि देखो 90 से यानी 85 से 90% चांसेस रहते हैं कि आपको जो ऊपर वाली कॉलेज है ना वो ही मिलती है, यानी जो आपके नजदीक जो कॉलेज रहती है, आपके गृह जिले में जो कॉलेज रहती है उनकी प्रेफरेंस आपको ज्यादा दी जाती है। ठीक है, तो 1-6 नंबर की कॉलेज ही आपको ज्यादा
मिलेगी। अब 10th की बात मैं कर देता हूं, देखो बाय चांस ऐसा हो जाता है कि आपको जरूरी नहीं है कि आपको एक से एक नंबर से लेकर 6 नंबर की कॉलेज ही आपको मिले या इनके बीच की कॉलेज ही आपको मिले, आपको 10th नंबर की या 15 नंबर की कॉलेज भी आपको मिल सकती है। उसका रीजन यही रहता है कि काफी बार ऐसा बाय चांस होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हमेशा आपको नजदीक कॉलेज ही मिलेगी। ठीक है, अब ये कमेंट हो गए आपके। इसी के साथ में एक कमेंट हो रहा है, सर मेरे ओबीसी फीमेल में 381 नंबर है, क्या मेरा नंबर आएगा? बिल्कुल आपका नंबर आ जाएगा, अगर फर्स्ट लिस्ट में आपका नहीं आया है तो सेकंड लिस्ट में आ जाएगा। वैसे फर्स्ट लिस्ट में भी आपका आ जाना चाहिए था, लेकिन नहीं आने का कारण यही है कि आपने कॉलेज कम सेलेक्ट की होगी। अगर आप कॉलेज ज़्यादा सेलेक्ट करते तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रिफ्रेंस दी जाएगी। अंजू यादव की तरफ से कमेंट है, सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? देखो सेकंड लिस्ट को लेकर मैंने क्लियर भी कर दिया है, सेकंड लिस्ट आपकी फरवरी में ही आने वाली है और फरवरी के फर्स्ट वीक में आपको सेकंड लिस्ट आपकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आप सभी के कमेंट थे जिनके रिप्लाई मैंने यहाँ पर आप सभी छात्रों को कर दिए हैं। बाकी कोई भी आपके कमेंट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, क्योंकि अगर आपका कोई डाउट रहता है तो ज़रूर पूछ लेना, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या मैं आपको इंस्टाग्राम पर भी मिल जाऊँगा, इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसा ही नया कंटेंट लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके बाय।